आप सभी ने छुहारे का नाम तो बहुत सुना होगा और ये बाजीकरण में बहुत अच्छा कार्य करता है। बाजीकरण या रसायन औषधि जो होती है हमारा शरीर को जो स्फूर्ति शक्ति प्रदान करे उसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे 4-5 छुहारे शाम को दूध में भिगो दें, सुबह में वो दूध उबालिए, उबाल कर उसमें जो छुहारे पड़े हों वो भी उबल जाएंगे और उसके बाद में छुहारों को निकालिए। अब उसका जो बीज है वो बाहर कर दें और उसमें जो सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, जैसा कि अगर पेट में विकार रहता है तो हरड़ बहेड़ा आंवला आदि का चूर्ण भी थोड़ा सा लगा सकते हैं और उसको चबाते हुए आप खाएं और ऊपर से दूध पीते रहें, तो जो आपको एनर्जी मिलनी है वो बहुत ही पावरदार होगी, बहुत शक्तिवर्धक होगी। तो इस तरह से छुहारे का जो सेवन है वो शरीर के लिए बहुत ही उत्तम औषधि का भी कार्य करेगा, पोषक आहार का कार्य करेगा और शरीर को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा। तो जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी रहती है, मर्दाना कमजोरी रहती है, पौरुष संबंधी समस्याएं रहती हैं, या जिनके संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, या इस लायक वो स्वयं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। इसको लगभग 3-4 महीने लगातार लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी औषधि लेते हैं या औषधि के रूप में अगर आप उसको ले रहे हैं तो खाली पेट अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और अगर आहार लेने के बाद में आप ले रहे हैं, भोजन करने के बाद में ले रहे हैं किसी भी औषधि को, तो वो केवल पेट भरने का काम करेगा, उसमें जो औषधीय तत्व तो होते हैं, गुण जो होते हैं वो न्यून पड़ जाते हैं। अगर आपको उसके औषधीय गुणों को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आप औषधियों को खाली पेट ही सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।